कौन सी एक एक्सपर्ट कमेटी जो इस सारे विषय में छानबीन करके और अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, क्योंकि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो उसमें डिफॉल्ट पर मिलेगा वो कोई भी माइनिंग करने वाला हो, चाहे वर्तमान वाला हो, चाहे इससे पहले का हो, क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट में एक बात लिखी गई है जो जस्टिस प्रीतम पाल उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है कि ये जो इस समय जो उसमें बहुत गहराई तक 109 मीटर तक जो खुदाई हुई है वो इस पीपी ने नहीं की, यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी बजाय जो इससे पहले वाला एंटरप्रेन्योर है उसने की है। तो एक तो एक्सीडेंट के इस सारे विषय पर चर्चा का विषय था, दूसरा एक बहुत गंभीर मामला जो वास्तव में उठाना तो हमें चाहिए, और उस प्रकार का जो विषय उनकी सरकार के समय जो शुरू हुआ 2013 में माइनिंग की ऑक्शन हुई डाडम की, और वो ही 115 करोड़ रुपए में, लेकिन वो जो कंसेशनियर था जिसमें दो 41-51 के पार्टनर थे, उन्होंने बाद में ये बहाना बना करके कि इसमें हमने HSIDC को सरकार ने एक खानक की माइन वो भी दे दी, हालांकि सेम डे दोनों दी गई हैं, और ऐसा नहीं है कि उस समय उसको पता नहीं होगा कि HSIDC को दी जा रही है, चूंकि सेम डे हुआ था तो उन्होंने एक एक्सक्यूज लिया कि इसके कारण से मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोर्ट में जाकर के उन्होंने, नहीं कोर्ट नहीं, सरकार को उन्होंने कहा कि हम इसको विड्रा होना करना चाहते हैं। उन्होंने विड्रा करने की बात कही, लेकिन उनका जो दूसरा पार्टनर था वो 49% का था, सुंदर मार्केटिंग, उन्होंने कहा कि इसको हम चलाने के लिए तैयार हैं और उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अब चूंकि वो 41% के थे, माइनर पार्टनर थे, मेजर पार्टनर विड्रा कर रहे थे, बाद में हमने वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार